أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. तख्लीक़ आदम और शरफ़ और फजीलत जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में इंसान को अता फरमाई, अता करने से पहले जो सूरत हाल थी, जो शरफ़ और मर्तबे के मकाम पर क़ायम था इबलीस, उसको शरफ मर्तबा और फजीलत से हटाकर इंसान को अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई, उसकी तफसील किसी कदर सूरह बकरा में गुजरी थी। अब वही तफसील मज़ीद वजाहत के साथ सूरह आराफ में उसका तस्किरा कोई चार दिन से चलता हुआ आ रहा था। बात सारी के सारे वाक़े की मुकम्मल भी कर दी गई। आखिरकार अंजाम ये हुआ कि इंसान को जिस फजीलत से नवाजा गया था, उस फजीलत से एजाज़ से गिराने की ठान लिया था इबलीस ने। उसके लिए जो तौर तरीक़े उसने इख्तियार किए, उसकी तफसील भी जिक्र में गुज़र गई। बिलाआखिर अंजाम सामने ये हो गया कि जिस जन्नत में और नेमतों में इंसान को रखा गया था, हज़रत आदम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अब उससे महरूम कर दिया गया। एक एतबार से इबलीस कामयाब रहा इंसान को रुसवा करने के मसले में, रुसवा कर दिया। नताएज भी सामने आ गए, जन्नती लिबास से महरूम कर दिया गया, जन्नत से नीचे उतार दिया गया। उसमें हिकमतें मसलियतें क्या क्या थीं, उसकी तफसील भी गुजरी। गलती का एतराफ हुआ, वो गलती जो नादानी में थी, नादानिस्ता थी, इरादे पर नहीं थी, अज़्म इरादे से नहीं हुई थी इंसान से, अल्लाह ताला की बारगाह में नदामत के इजहार के बाद तौबा फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम ने बशमूल हव्वा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमा लिया। इबलीस को जो कामयाबी मिली थी इंसान को रुसवा करने की, जो ही तौबा कबूल हुई बात उल्टी पड़ गई। इबलीस और ग़ज़बनाक हो गया, दुश्मनी नफ़रत और बढ़ाने लगा। जिस गरज के लिए उसने किया था वो गरज की तकमील पूरी तरह नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान कर दिया, माफ़ कर दिया। माफ़ी के लिए क्या क्या जिक्र करना था जिक्र किया, पूरे तस्करे में खुलासा यही था। बुनियादी चीज़ जिसका माना और मतलब कल की तफसीर में गुज़रा, रब्बना वलमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये खुलासा था। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला इस वाक़े की इख्तिताम आज की इन दो छोटी सी आयतों में है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म जारी फरमा दिया, पाबंद कर दिया हज़रत आदम को, हज़रत हव्वा को,
उनके ज़िमन में आने वाले सारे के सारे इंसान भी मुराद हो गए। इसी तरीक़े से याके हज़रात आदम को भी, हव्वा को भी, इबलीस को भी हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने, इहबितु, तुम सब के सब अब इस आला मकाम से नीचे उतर जाओ, जन्नत से ज़मीन पर चले जाओ। लेकिन वहाँ ज़मीन पर आने के बाद भी इंसान का मुकाबला इबलीस से, इबलीस की दुश्मनी इंसानों से, तुम आपस में एक दूसरे के मुखालिफ रहोगे, दुश्मन रहोगे। इबलीस को नफरत और दुश्मनी इंसान से है क्यों? क्या किया इंसान ने? इबलीस को इंसान से दुश्मनी नफरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, इंसान के वजूद से पहले सबसे बुलंद और बरतर मकाम, शान और फजीलत वाला दर्जा इबलीस को हासिल था। उसकी शान और फजीलत, रुतबा और मर्तबा ख़त्म करके अल्लाह ताला ने इंसान के हवाले किया। बस ये एज़ाज़ व इकराम, फजीलत, मकाम और मर्तबा का छिन जाना इबलीस से किसकी वजह से छीना गया? क्योंकि वो चीज़, वो मनसब, वो शान अब इंसान के हिस्से में आ गई, जबकि उससे पहले इबलीस के हिस्से में थी। बस ये हसद है, ये नफरत है, ये वजह है जिसकी वजह से। और सारी कायनात में, सारी मखलूकात में इंसान को शरफ इसने ठान ली, वो शरफ के दर्जे से मैं इंसान को गिराता चलूँगा ताकि उस दर्जे पे कायम ना रहे। ये गैब वाली बातें, हकीकतें इंसान को हर ज़माने में अल्लाह ताला ने हर नबी के ज़रिए से, हर मुक़द्दस किताब के ज़रिए से इंसान को इंसान के हकीकत बतलाते चलते हैं। बात सूरह बकरा में भी गुजरी थी, मज़ीद तफसील से यहाँ पर गुजरी, मज़ीद इसके और पहलू भी अगले पारों में आएंगे। तो इंसान को ये बताते चलना है कि तुमको तुम्हारे रब ने एक ख़ास मकाम, मर्तबे और फजीलत के लिए मुंतखब फरमाया है, और सबसे बड़ा ऊंचा मकाम, मर्तबा अपने पास रखना चाहता है इंसान के लिए, और इस पर हासिदाना नज़र, नफरत करने वाला दिल, ताकत इबलीस की तुम्हारे साथ इसलिए लगी हुई है, वो तो कभी तुमको दोस्त समझता नहीं, बहसियत दोस्ती तुमको गिराना चाहता है, दुश्मनी रखना चाहता है। बहसियत दोस्ती जो तरीक़ा इख्तियार किया, कल की आयतों में उसकी तफसील भी गुजरी, हद कर दी, रोया, गिड़गिड़ाया, खसम दिया, अल्लाह का वास्ता दिया, इंसान के दिल में असर पैदा कर कर ख़ता के ऊपर मायल करवा दिया। उससे बचने के तरीक़े अल्लाह ताला ने सारी वजाहतें, उसी का नाम दीन है, उसी का नाम अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, जो तौर तरीक़े बता दिए गए अच्छे और बुरे के, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करो ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे इबादतों में हो, चाहे ख्याल अकीदे में हो, चाहे तर्ज़ ज़िंदगी में हो, ये फ़र्क करने में जब रुकावट, दुश्वारियों की आए तो सब्र करो, हक़ की तरफ आगे बढ़ो, हमेशा हमेशा के लिए अंजाम होगा। इस तमाम
वजाहत की रोशनी में जो इख्तिताम आपको यह होता है कि अल्लाह ने फरमाया तुम सब नीचे उतर जाओ, ये मुखालिफत चलते रहेगी, इंसान परेशान हुआ उस आला मकाम मर्तबे से हटा दिया गया, उतार दिया गया, क्या फिर वापसी है या नहीं? अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा कर इंसान की हिम्मत अफजाई की, यकीन दिला के फरमाया वलकुम फिल अर्ज़ी ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए, लकुमा नहीं फरमाया, ऐ आदम हव्वास तुम दोनों के लिए ऐसा नहीं फरमाया, वलकुम ऐ इंसानों क़यामत तक आने वाले इंसानों, यानी आदम और हव्वा के वाक़े को पढ़ते हुए यूँ पढ़ना है कि सिर्फ आदम हव्वा मुराद नहीं, क़यामत तक आने वाला हर इंसान, हर मर्द, हर औरत मुराद है। ऐ इंसानों, इस ज़मीन में जो तुम्हें भेजा जा रहा है, इस ज़मीन में मुस्तखर एक मुकर्ररा वक्त तक का ठिकाना है, हमेशा रहना भी नहीं है। अब ठिकाना तुम्हारा ज़मीन में होगा, वो मताउन इलाहीन, और ये एक मुद्दत तक तुम्हारे लिए, एक मुकर्रर वक्त तक के लिए रहना है, हमेशा के लिए भी नहीं। उसी में जीना है, ज़िंदगी गुजारना है तुम्हें, बल्कि इसी ज़मीन में ताहयोना तुम ज़िंदगी गुजारते रहोगे। जब वक्त मुकर्रर ख़त्म हो जाएगा, फिया तमूतूना, उसी ज़मीन में ज़िंदगी गुजारते हुए तुमको मौत भी आएगी, मरना भी इसी ज़मीन में है। ना सिर्फ जीना है, ना सिर्फ मरना है, बल्कि फिर उसी ज़मीन में दफन भी होना है, ज़मीन का हिस्सा बनना है, फिर उसी ज़मीन से तुम तमाम के तमाम को निकाला जाएगा, उठाया जाएगा आखिरत में जज़ामे और बदले के लिए। यहाँ पर बात ख़त्म करते हैं। ये जो बातें ख़त्म हुई, इसकी मज़ीद वजाहत थोड़ी सी सूरह बकरा में पारे एक में गुज़री, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब देखो, इस ज़मीन के ऊपर तुमको रहना है, मरना है, उठना भी है। जब तक भी रहना है, हमारी जानिब से कैसा रहना है, किन चीज़ों से बचना है, ये तरीक़ों की वजाहत तफसील तुम्हें मिलते रहेगी, जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, मुक़द्दस किताबों के ज़रिए से, फरिश्तों को दरमियान में रखकर वही के पयाम के ज़रिए से ये इंतज़ाम चलता रहा, चलाते रहे। उसी सिलसिले की कड़ी ये कलाम पाक है। आखिरुज़्ज़मां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अब ऐलान कर दिया गया, अब इसके बाद कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं, कोई नबी आने वाला नहीं। सारे नमूने और इसी पर क़यास करते हुए यही अल्लाह ताला का कलाम पाक, जो पेश कर दी गई चीज़ें, अच्छे बुराई की तमीज़ करवा दी गई, दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के तरीक़े बता दिए गए, लेकिन गफलत का शिकार होकर दुश्मन को दोस्त समझ बैठो, बुराई को अच्छा समझ बैठो, तबाही को अच्छा समझ कर तबाह हो जाओ, ये तुम्हारी ख़ता है, जिसमें दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद होगी। हमारे ये बतावे तरीक़े को इख्तियार करोगे, उस पर चलोगे, तो ये ज़िंदगी के बावजूद तुमको वही पुरानी मंजिल जो सबसे पहले दिखाई गई, बताई गई, जिसमें रखा गया, इजाज़त आम दे दी गई, है सो शी तुम्हारा, जहाँ चाहते हो, जिस तरह चाहते हो, जैसे चाहते हो,
रहो, जो चाहते हो खाओ और पियो, जन्नत उसका मकाम, फिर तुमको वापस दे दिया जाएगा। अगर इसमें जो तुम में से जिसने खता की वो मकाम नहीं मिलेगा। ताबेदारी करोगे तो फला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून, अब कोई चीज़ का डर खौफ कहीं को है तुमको? वजाहत के साथ दुश्मन को सामने लाकर पेश कर दिया गया, दुश्मनी के रास्ते क्या ही बता दिया गया, जितने हराम और ममनूआत हैं ये तुम्हारे दुश्मन हैं। इस तरीक़े की ही तरगीब देता है शैतान। शैतान सिफत इंसान, शैतान खुसम के हालात जो पैदा होंगे उसको पहचान कर अपने आप हिफाजत करो। उस हिफाजत में लगे रहने के तरीक़े बताए, उसी का नाम दीन है, उसी का नाम इस्लाम है। सुभान।